नारायण 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 नारायण। तो दोस्तों, जिस फिल्म की प्रतीक्षा हम पिछले करीब 2 महीने से कर रहे थे, आर्मी ऑफ द डेड, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जैक स्नाइडर, करीब 2 महीने पहले इसके टीजर को और 1 महीने पहले इसके ट्रेलर को रिलीज किया गया था। और मुझे वो दोनों ही टीजर और ट्रेलर बहुत पसंद आए थे, और तभी से हम बहुत ही आतुरता से इस फिल्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। वैसे जैक स्नाइडर भी इस फिल्म के लिए इतना उत्सुक होने के पीछे एक कारण है ही। तो आखिरकार आज दोपहर को 12:30 बजे, यानी 21 मई 2021 को दोपहर को 12:30 बजे नेटफ्लिक्स पर इसे डिजिटली वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर दिया गया है। भारत में इसे इंग्लिश के साथ में ही हिंदी में भी रिलीज़ किया गया है। तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी में अवेलेबल है। बाकी इसकी हिंदी डबिंग कैसी है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। वैसे अमेरिका में इसे एक हफ्ते पहले यानी 14 मई 2021 को ही कुछ सिलेक्टेड थिएटर्स में रिलीज़ किया गया था। फिल्म में मुख्य भूमिका में है ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, यानी डेव बटिस्टा, एला पुरनेल, ओमारी हार्डविक, आना देला रेगुएरा, थियो रॉसी और हुमा कुरेशी। एज एक गरीब अबला बेचारी भारतीय नारी का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, जिसका नाम है गीता। तो संक्षेप में मेरे फिल्म के एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो फिल्म को लेकर मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स है, पर फिर भी मैंने फिल्म को इंजॉय किया। फिल्म एंटरटेनिंग थी, इसमें कोई संदेह नहीं। खास तौर पर फिल्म की जो शुरुआत थी ना, मतलब जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी ऐसी फिल्म की शुरुआत थी। यानी जो स्टार्ट क्रेडिट सीक्वेंस है वो खत्म होने तक, यानी शुरुआत के जो कुछ 7-8 मिनट या शायद 10 मिनट थे, हाँ वो सच में सेटिस्फाइंग थे। इसके अलावा फिल्म की एक और बात जो मुझे बहुत पसंद आई वो है ज़ोंबीज़ को लेकर जो उन्होंने कुछ थोड़ा सा अलग इसमें करने का प्रयास किया है। मतलब नॉर्मल हमने जितनी भी ज़ोंबी फिल्म्स देखी है उससे थोड़े से अलग ज़ोंबीज़ यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं, जिनके पास में बुद्धि है, और उन्होंने पूरा अपना एक अलग किंगडम बना के रखा है। और उस किंगडम में आप अगर उनके रूल्स के अनुसार चलते हैं, रहते हैं, तो वो आपको परेशान नहीं करते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। मतलब ज़ोंबीज़ में भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज उन्होंने दिखाई है। कुछ ऐसे ज़ोंबीज़ है जो धूप में आते ही वो सूख जाते हैं पूरे, और ये बताया कि भाई कुछ बारिश की कुछ बूंदें उन पर गिरते ही वे फिर से जीवित हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। और मैं ये फिल्म की शुरुआत में सुनते ही मैं पूरी फिल्म में बस यही वेट कर रहा था कि यार कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम्स इनके सामने आने चाहिए ना। मतलब ज़ोंबीज़ कुछ ऐसे दिखाए हैं बाकी के कि जो समझदार हैं उनको थोड़ा सा चारा डाल दो तो वो अपना अपना काम करते हैं, उन्होंने अपना किंगडम बना कर रखा है। तो मैं यही सोच रहा था कि यार इनके सामने कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने के लिए बारिश होनी चाहिए, फिर ये जो सूख गए हैं ज़ोंबीज़ वो फिर से जी उठेंगे। पर उन्होंने वैसा नहीं किया है, उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ज़ोंबीज़ को ह्यूमनाइज किया है। ज़ोंबीज़ के अंदर एक मानवता दिखाई है, जो अपने लोगों को लेकर बहुत केयर करते हैं, ऐसा बताया है। उनका राजा है, रानी है, गर्भवती वगैरह दिखाया है रानी को, वगैरह वगैरह ये बातें उन्होंने दिखाई है। और दूसरी तरफ जो ह्यूमंस है वो कैसे डीमन बनते जा रहे हैं, मानव कैसे दानव बनते जा रहा है, और ऐसा ही एक नीच मानसिकता का स्वार्थी मनुष्य उसके कारण वो कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये कुल मिलाकर मतलब इस प्रकार से ज़ोंबीज़ के साथ उन्होंने कुछ अलग करने का प्रयास किया है। वैसे मुझे इन ज़ोंबीज़ को देखकर बार 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 रॉन्ग टर्न के वो उन कैनिबल्स की याद आ रही थी। उनमें भी ऐसा ही वो दिखाया, देखिए गर्भवती होना वगैरह वगैरह, वो रॉन्ग टर्न के कैनिबल से मुझे बार बार याद आ रहे थे इन ज़ोंबीज़ को देखकर। इसके बाद फिल्म की तीसरी जो सबसे बढ़िया बात है वो है इसके विजुअल्स, जो जो आंखों को सुकून देते हैं। बहुत सेटिस्फाइंग थे फिल्म के विजुअल्स। जो मैंने फिल्म की शुरुआत में आपको बताया ना, वहाँ पर जैसे फिल्म के विजुअल्स थे, उन्होंने जितना मुझे एकदम ही मेरे एक्साइटमेंट के लेवल को बहुत ऊपर कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही पूरी फिल्म में विजुअल्स थे। ढेर सारा खून खराबा, ढेर सारा मतलब मांस के लोथड़े आपको सब तरफ गिरे हुए देखने को मिलेंगे, इस प्रकार का खून खराबा है पूरी फिल्म में। तो हाँ, विजुअल्स सेटिस्फाइंग थे, फिल्म आंखों को सुकून देती है। पर इन 3 बातों को छोड़कर, कौन सी 3 बातें? फिल्म की स्टार्टिंग, ज़ोंबीज़ के साथ में जो उन्होंने अलग किया है, और तीसरा सेटिस्फाइंग विजुअल्स। इन 3 बातों के अलावा जो सबसे बड़ी कमी है फिल्म की वो है ये फिल्म सर को दर्द देती है। आंखों को सुकून देती है पर सर को दर्द देती है। फिल्म के वो शुरुआत के 10 मिनट होने के बाद में जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे बहुत सारी फिल्म में लूप होल्स, प्लॉट होल्स वगैरह हमें दिखते जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि यार ये मतलब ऐसा 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 कैसे दिखाया उन्होंने, पर फिर भी हम उनको इग्नोर कर पाते हैं। हाँ, फिल्म में हम इग्नोर कर पाते हैं कि चलो यार ब्रेनलेस ज़ोंबी एक्शन फिल्म है, छोड़ दो, विजुअल्स तो बढ़िया है ना। हम देखते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, पर भाई फिर वो आता है आखिर में जो एंडिंग, वो एंडिंग सच में थोड़ा सा निराश करता है हमें।
मैं ज़्यादा कुछ आपको स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर वो जो हेलीकॉप्टर वाला पार्ट था और जिसके लिए वो इतना सारा रिस्क उठाते हैं, उसके साथ क्या हुआ फिल्म के एंडिंग में दिखाया नहीं, हे भगवान। और लूफोल्स की अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या बिल्कुल ही इलॉजिकल बातें लगती है, तो सबसे पहले जो इलॉजिकल बात लगती है वो है कि एक डार्क कॉरिडोर दिखाया है, ऐसा एक क्या कहते हैं पता नहीं कुछ गलियारे की तरह था, जहाँ से ये लोग उस कसिनो की तरफ उनको जाना होता है पैसे लूटने के लिए, तो वहाँ पर ये जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर ढेर सारे अंदर ऐसे अंधेरे में ज़ोंबीज ऐसे खड़े खड़े सोए दिखाए हैं, हालांकि बाहर धूप में बिल्कुल खुला है सब कुछ। तो बाहर छोड़कर वो उस डार्क कॉरिडोर से क्यों जाते हैं, वैसा क्यों दिखाया, और चलो उनको डार्क कॉरिडोर से जाते हुए उनको दिखाना भी था, तो कुछ प्रॉपर रीज़न वो दिखाते हैं कि भाई कुछ चारा ही नहीं है, दूसरी तरफ से हम कुछ जा ही नहीं सकते, बिल्कुल यहीं से हमको कुछ तो प्रॉपर रीज़न जस्टिफाई करना चाहिए था उस डार्क कॉरिडोर से जाना, तो वो एक थोड़ा सा हमें हजम नहीं होती बात। इसके बाद जो दूसरी सबसे इलॉजिकल बात मुझे लगी वो है गीता के कैरेक्टर को लेकर, मतलब गीता का पूरा कैरेक्टर ही ऐसा था जैसे ज़बरदस्ती ही इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए शायद वो कैरेक्टर डाला गया था, ऐसा लग रहा था। उस पूरे कैरेक्टर को भी अगर फिल्म से आप निकाल दोगे ना तो फिल्म और बेटर हो जाएगी मैं तो कहूँगा। और चलो ठीक है वो कैरेक्टर था भी, तो गीता केट को कहती है, केट है फिल्म के मुख्य पात्र जो डेव बटिस्टा स्कॉट वार्ड का जो कैरेक्टर है उसकी बेटी दिखाई है केट को, तो वो वहाँ पर एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रही होती है, उस कैंप में लोगों की देखभाल कर रही होती है, तो गीता भी वहीं पर है कैंप में। तो गीता केट से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं कहीं पर चली जाऊँ, तो मेरे बच्चों को तुम संभालना। तो कैट कहती है ठीक है मैं संभालूंगी। अब गीता फिर इसके बाद में चली जाती है अंदर शहर में लास वेगास में, जहाँ पर लाखों लाखों ज़ोंबीज़ हैं, शायद कुछ पैसे लाने के लिए या क्या पता नहीं वही जाने। तो अब गीता पहले अंदर चली गई है, इसके बाद में इनकी जो पूरी मर्सनरीज की टीम है, फिल्म की कहानी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो ये लास वेगास नाम का शहर है जहाँ पर ये ज़ोंबीज़ की महामारी फैल जाती है, सब ज़ोंबीज़ बन जाते हैं, इसके बाद में सरकार उस पूरे लास वेगास के शहर को घेर लेती है ताकि वो ज़ोंबीज़ बाहर ना आ पाए। अब इसके बाद में एक टनाका नाम का एक बहुत अरबपति ऐसा एक बिजनेसमैन है जो इन मर्सनरीज को इकट्ठा करता है, स्कॉट वार्ड को कहता है कि तुम अपने मर्सनरीज को इकट्ठा करो और वहाँ पर कसिनो में अरबों खरबों रुपए पड़े हुए हैं, तुम उन पैसों को लेकर के वापस आ जाओ। तो स्कॉट तुरंत अपनी एक टीम खड़ी कर देता है, वैसे टीम खड़ी करने में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता, सब तुरंत मान जाते हैं, वाह। तो ये सब फिर अंदर जाते हैं वहाँ पर, तो जाते समय केट भी कहती कि मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ में गीता को खोजने के लिए। अब गीता ने केट को कहा था कि भाई मैं चले जाऊँ तो मेरे बच्चों का तुम संभालना। अब उस जिस कैंप में गीता के बच्चे रह रहे होते हैं उस कैंप को खाली किया जा रहा होता है क्योंकि वहाँ पर बम वो गिराने वाले हैं, ठीक है ना, तो वे बच्चों का उसके बाद में क्या होगा, कैंप को खाली करवा रहे हैं वो लोग, कहाँ लेकर के जाएंगे उन बच्चों को। केट को उनको संभालना चाहिए था, पर केट क्या कर रही है, मरने के लिए अंदर जा रही है लास वेगास में। ये पूरा गीता का कैरेक्टर ही पूरी तरीके से सर को दर्द देता है, और ख़ास तौर पर फिल्म के एंडिंग में। ऊपर से फिल्म की कहानी ऐसी है जिसे मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट किया जा सकता था, पर इस 1 से 1.5 घंटे की कहानी को उन्होंने पूरे 2.5 घंटे तक खींचा है। पर इतना लंबा फिल्म को खींचने के बाद भी वे प्रॉपर तरीके से कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं कर पाए हैं, हम कैरेक्टर्स के बारे में प्रति उतना हम उनसे इमोशनल कनेक्ट नहीं फील करते, हम उनके बारे में केयर नहीं कर पाते हैं। पर दूसरी तरफ आप देखिए ट्रेन टू बुसान, 2 घंटे के अंदर ही फिल्म के कैरेक्टर्स के साथ हम पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं, हम उन कैरेक्टर्स को समझ पाते हैं, उनके बारे में केयर कर पाते हैं, वहां पर भी एक पिता पुत्री का रिश्ता दिखाया है और वो हमें सच में फिल्म के एंडिंग में तोड़ कर रख देता है, हम फूट फूट कर रोते हैं वहां पर। पर वैसे यहाँ पर भी एक पिता पुत्री का रिश्ता दिखाया है स्कॉट वार्ड और उसकी बेटी केट का, पर वो रिश्ता हमें बिल्कुल भी इमोशनल नहीं कर पाता वो पार्ट। वैसे किसी भी कैरेक्टर से हम ऐसे कनेक्ट नहीं हो पाते कि भाई किसी इतने सारे इनकी पूरी इन मर्सनरीज की टीम दिखाई है उनमें से किसी के बारे में हम केयर करें, या कोई बहुत फनी कैरेक्टर था जो हमें बहुत हंसाता है फिर हंसाते हंसाते एंडिंग में जैसे रुला देता है, ऐसा कोई खास यादगार
फिल्म में कोई कैरेक्टर भी नहीं था। तो फिल्म में जो ये कैंप में रहने वाले लोग हैं उनको पॉलिटिकल प्रिजनर बताना, सरकार उन पर अत्याचार कर रही है ऐसे दिखाना, या फिर गे राइट्स की बातें करना, एबॉर्शन राइट्स की बातें करना, इन सब बातों का वैसे फिल्म की कहानी के साथ में, जिस प्रकार का फिल्म का टोन है उसके साथ में कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो इन सब बातों को छोड़कर फिल्म को और लॉजिकल बनाने पर या कैरेक्टर डेवलपमेंट पर उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, तो ये फिल्म और ज़्यादा बेटर हो सकती थी। बाकी इन सब बातों के अलावा फिल्म में और भी कई सारे छोटे मोटे लूपहोल्स थे, पर उनको हम इग्नोर कर पाते हैं। और ये जो कुछ मैंने आपको फिल्म की कमियाँ बताई है वो उतना कुछ हमें फिल्म में इरिटेट नहीं करती है, मतलब फिल्म हम देख पाते हैं। एकदम ही हम परेशान हो गए, हमें नहीं देखनी, हम बंद कर देते हैं फिल्म को, ऐसी कोई फिल्म नहीं है। आप बिल्कुल फिल्म को देख पाते हैं। फिल्म के विजुअल्स बढ़िया थे, कुछ जो ज़ॉम्बीज़ के साथ में कुछ जो एक्शन सिक्वेंसेस थे, जो गनशॉट सिक्वेंसेस थे, वो सच में बहुत बढ़िया थे। मतलब सर में जैसे वो गोली लगती है फिर पूरा सर उनका जो फट जाता है, वो सारे विजुअल्स बढ़िया थे। आप उनको ज़रूर ज़रूर इन्जॉय करेंगे। फिल्म का एंडिंग इस प्रकार का था कि वे इसका सिक्वल बना सकते हैं ऐसा हमें लगता है, और मैं बिल्कुल इसका सिक्वल देखना चाहूँगा। बाकी हिंदी डबिंग की बात करें तो सभी वॉइस एक्टर्स की आवाज़ उनके रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स को फिल्म में सूट कर रही थी, मैच कर रही थी। ज़्यादातर समय हमें पता भी नहीं चलता कि हम कोई डब्ड वर्जन देख रहे हैं, पर कुछ जगहों पर ट्रांसलेशन और बेटर हो सकता था। कुछ जगहों पर तो बिल्कुल ही हमें पसंद नहीं आता वो ट्रांसलेशन, जैसे कि एक जगह पर जो जापानीज तनाका का कैरेक्टर है वो कहता है इजी पीजी जापानीजी, ऐसा वो कहता है। तो एक दूसरा कैरेक्टर कहता है कि भाई ये कहावत ऐसी नहीं है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी ऐसी वो कहावत है। ये इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ, इसका हिंदी डब्ड वर्जन में वो कहते हैं कि भाई क्या अजीब सी कहावत उन्होंने बनाई है, ना निशान ना सबूत। इजी पीजी जापानीजी की जगह उन्होंने कहा है ना निशान ना सबूत, और उसके बाद में वो थोड़ा सा और कहावत में ऐड करते हैं, ना निशान ना सबूत ना कोई भूत। वाह मतलब जो है वही रहने देते यार, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, पता नहीं मतलब ये ऐसी कोई कहावत। चलो तो हाँ, थोड़ा सा कुछ जगहों पर ट्रांसलेशन बेटर हो सकता था, बाकी आप बिल्कुल इसे हिंदी में देख सकते हैं, ऐसा कोई ख़राब फिल्म की हिंदी डबिंग नहीं थी। मैं आर्मी ऑफ द डेड को दूंगा 6 out of 10 stars। पैरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, फिल्म में न्यूडिटी है, फिल्म की शुरुआत में ही है कुछ सीन्स ऐसे टॉपलेस कुछ फीमेल कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। इसके अलावा वायलेंस तो भाई क्या कहूँ, पूरी फिल्म में ही वायलेंस ही वायलेंस है ढेर सारा, तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।